हाय एवरीवन, नॉमिनक्लेचर कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एमीन्स समाप्त हुआ था लास्ट क्लास में, उसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है इसमें नाइट्राइल्स, या फिर इसे ही कहते हैं साइनाइड्स। फंक्शनल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा RCN। जनरल मॉलिकुलर फार्मूला लिखोगे तो CnH2n+1 CN, जहां N 1 से शुरू होगा। कॉमन नेम लिखने का पैटर्न है अल्काइल साइनाइड। IPSC नेम अल्केन नाइट्राइड। और फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से यदि देखोगे तो साफ पता चलेगा कि यह फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट नेचर का है। मोनोवैलेंट नेचर का है ना, एक वैलेंसी इसका है खाली कार्बन का। तो ऑब्वियसली टर्मिनल होगा, हमेशा किनारे में रहेगा। और हमेशा किनारे में होगा इसका मतलब हुआ कि यदि ज़रूरत पड़े नंबरिंग करने का तो लोकेशन नंबर हमेशा इसी कार्बन को मिलना चाहिए। तो द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब CN ऑलवेज गेट द फर्स्ट लोकेंट इफ नीडेड, कि यदि ज़रूरत पड़ा तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही हम लोग नंबर वन पोजीशन देंगे नंबरिंग करने का, ज़रूरत पड़ा तो, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यह अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स पड़े थे उस तरह का है, मोनोवैलेंट नेचर का। टर्मिनल पोजीशन पे होगा, हमेशा फर्स्ट लोकेंट मिलना चाहिए इसे नंबरिंग कर रहे हो तो। एग्जाम्पल देखा जाए CH3CN, फिर CH3CH2CN, CH3CH2CH2CN। एक ही चीज़ बार बार इतने सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया जा रहा है, मतलब कि रिवीजन वो ज़्यादा ज़रूरी है। वही आइसोनियो कई बार आ रहा है, उसी को कई बार बताया जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं करना है उन चीज़ों में। ऐसा इस तरह से सबका पहले कॉमन नेम पैटर्न देख लो। कॉमन नेम का अल्काइल साइनाइड, तो कॉमन नेम में CN के लिए साइनाइड लिखा जाएगा। अभी CH3 अल्काइल के रूप में मिथाइल, और CN का साइनाइड मिथाइल साइनाइड। यहाँ CN का साइनाइड, अब CN का साइनाइड लिख दिए तो इसको ढको, दो कार्बन का हो जाएगा इथाइल, इथाइल साइनाइड। वैसे यहाँ CN का साइनाइड, अब इधर 1, 2, 3 कार्बन है प्रोपाइल, और टर्मिनल कार्बन से है तो N प्रोपाइल, तो N प्रोपाइल साइनाइड। वैसे इसका CN का साइनाइड, इसको ढको तो 3 कार्बन है और 20 से है, तो मतलब आइसो है, तो आइसो प्रोपाइल साइनाइड। सेकेंडरी प्रोपाइल भी लिखते हैं, लेकिन बताया कि बात रेयर है, ज़्यादा यूज नहीं होता, आइसो प्रोपाइल ही लिखा जाता है बार बार, तो इस आइसोप्रोपाइल को ही ध्यान में रख के चलोगे। वैसे इसमें CN का लिख दो साइनाइड, अभी साइनाइड लिखा ही गया तो बचे 4 कार्बन ब्यूटाइल, टर्मिनल कार्बन से है तो N, लिनियर चेन है ना, तो N ब्यूटाइल साइनाइड।
इसमें भी CN का साइनाइड ढक दो, 1, 2, 3, 4 कार्बन है ब्यूटाइल और ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री का है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड। वैसे यहाँ CN का लिखोगे साइनाइड और इसको ढको, 1, 2, 3, 4 है ब्यूटाइल और यह कार्बन जिससे CN जुड़ा है 3 डिग्री है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल साइनाइड। वैसे यहाँ CN का साइनाइड, इसको ढको, तो 1, 2, 3, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और एक मिथाइल लगा हुआ हमने आइसो, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल साइनाइड। तो वही सेकेंडरी आइसो नियो टर्शियरी बार बार आ रहा है तो समझोगे इन बातों को। अब आ जाओ IUPAC नाम में। तो IUPAC नाम में चूंकि फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है तो उस कार्बन को मेन चेन में तो कंसिडर करना ही है, और बताया कि जरूरत जब पड़े नंबरिंग का तो फिर उसी कार्बन से 1 होगा। तो देखा जाए, 1, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो डायरेक्ट लिखोगे इथेन और N का लिखोगे नाइट्राइल। पैटर्न देख रहे हो, अल्केन नाइट्राइल। समझो, कॉमन नेम में चूंकि CN को हमने लिखा था साइनाइड, तो CN पूरा साइनाइड लिखा गया तो बचा केवल CH3 मिथाइल। IUPAC में आप लिख रहे हो इथेन, तो इथेन लिखने का मतलब हुआ कि ये 2 कार्बन को तो आप कंसिडर कर लिए, ये 2 कार्बन के बदले आपने इथेन लिखा है तो बचा केवल N, तो N से क्या लिखोगे नाइट्राइल। मतलब CN का पूरा लिखा जाए तो साइनाइड और N का लिखा जाए तो नाइट्राइल, जब इसके कार्बन को आप मेन चेन में ले लोगे। तो आप चूंकि नाइट्राइल का N एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो अल्केन का लास्ट वाला ई हटेगा नहीं रहेगा, तो इथेन नाइट्राइल में ई है, हटाना नहीं है। वैसे ज़रा इसको देखो, 1, 2, 3 कार्बन है, प्रोपेन और N से हो गया नाइट्राइल। वैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 कार्बन है, ब्यूटेन और N से हो गया नाइट्राइल। इसमें भी, लेकिन इसमें अब चूंकि नंबरिंग हो जाएगा ना, इधर उधर है तो नंबरिंग हो जाएगा, तो कार्बन से 1 करना है फंक्शनल ग्रुप का, कार्बन से 1, 2, 3 तो 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपेन नाइट्राइल, तो इसका नाम हो गया 2-methyl प्रोपेन नाइट्राइल। वैसे आगे बढ़ो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का पेंटेन, नहीं 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का पेंटेन और N से नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। अब यहाँ तो नंबरिंग होगा CN का कार्बन से 1, 2, 3, 4 तो 2-methyl ब्यूटेन नाइट्राइल, 2 पे मिथाइल है, 4 कार्बन का ब्यूटेन, N से नाइट्राइल। वैसे इसमें 1, 2, 3 अब इसमें लिखोगे तो 2, 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन नाइट्राइल। 1 वगैरह तो लगाना नहीं है, कई बार बता चुके हैं कि यह मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है टर्मिनल, तो हमेशा 1 पे ही रहेगा, अंडरस्टूड है, तो 1 अलग से देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। इसमें 1, 2, 3, 4 तो इस बार ये 3 पे है मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटेन नाइट्राइल, ऐसा 3-methyl ब्यूटेन नाइट्राइल। कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए, इसमें गलती होने का चांस कहाँ होता है ना, कि जब लोग IUPAC नाम लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ देते हैं,
जैसे इसका नाम लोग प्रोपेन नाइट्राइल नहीं बोल करके इथेन नाइट्राइल बोलता है कि दो कार्बन का इथेन नाइट्राइल। अरे भाई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो इसको कंसिडर करोगे, जैसे आप एल्डिहाइड में कैसे कार्बन को कंसिडर कर रहे थे, इथेनल प्रोपेनल लिख रहे थे, तो ऐसे ही कार्बन को यहाँ भी कंसिडर करना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। कुछ और भी एग्जांपल्स, CN CN के बाद यहाँ से CN ऐसा CN, इसी में एक और इन सब का कॉमन और IPSC दोनों नाम लिखेंगे, कॉमन नेम भी और IPSC नेम भी। तो CN का तो साइनाइड लिखा जाएगा, CN का साइनाइड लिख दो, अब इसको ढक दो, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और लीनियर चेन है मतलब N, तो N पेंटाइल साइनाइड। यहाँ भी CN का लिखोगे साइनाइड, अभी 1, 2, 3, 4, 5 है तो पेंटाइल, और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री है मतलब ये सेकेंडरी पेंटाइल, तो सेकेंडरी पेंटाइल साइनाइड। वैसे इसमें CN का साइनाइड, अभी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है दिख रहा है 3 डिग्री है, अगल बगल 3 कार्बन है और टोटल 1, 2, 3, 4, 5, तो पेंटाइल में 3 डिग्री मतलब टर्शियरी पेंटाइल, तो नाम हो गया टर्शियरी पेंटाइल साइनाइड। वैसे इसमें CN का साइनाइड, इसको ढको, तो 1, 2, 3, 4, 5 है तो पेंटाइल और एक मिथाइल निकला हुआ है तो आइसो। ध्यान रहे कि यह मिथाइल सेकेंड लास्ट पे होगा तब आइसो, कहीं भी रहने से आइसो नहीं होता है। तो चूंकि आइसो सेकेंड लास्ट पे रहने से ही होगा तो एग्जाम में आएगा तो वह सेकेंड लास्ट पे ही दिया हुआ रहेगा, आइसो कहीं भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। इसका 1, 2, 3, 4, 5 पेंटाइल यहाँ भी होगा, पहले तो CN का साइनाइड लिख लेते हैं, अब पेंटाइल यहाँ भी होगा तो ये दो दो मिथाइल है तो ऑब्वियसली नियो होना चाहिए, नियो पेंटाइल साइनाइड। वैसे नीचे वाले को देख लो, CN का लिखोगे साइनाइड, अब इसमें से यहाँ भी दो दो मिथाइल है और टोटल कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नियो हेक्साइल, इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्साइल साइनाइड। IPSC नाम के लिए नंबरिंग करने का ज़रूरत पड़ सकता है, ब्रांच हो तब, यहाँ तो लीनियर चेन है तो डायरेक्ट नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का हेक्सेन और N से नाइट्राइड, हेक्सेन नाइट्राइड। वैसे इसमें यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांच, तो 2 मिथाइल और 5 कार्बन का पेंटेन नाइट्राइल। वैसे इसमें यहाँ से नंबरिंग 1, 2, 3, 4 दो दो ब्रांच,
तो 2,2-dimethyl और 4 carbon का ब्यूटेनाइट्राइल। चूँकि इस बार सोचना नहीं है वन कहाँ से करें, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से 1, 2, 3, 4, 5 4-methyl 5 carbon का पेंटेनाइट्राइल। वैसे इसमें 1, 2, 3, 4 तो 3,3-dimethyl और 4 carbon के लिए ब्यूटेन नाइट्राइल। अच्छा वैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 4 पे 2-methyl है तो 4,4-dimethyl 5 carbon का पेंटेन नाइट्राइल। ऐसे तो कन्फ्यूजन जहाँ हो सकता है वह केवल है CN को लेकर के, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। CN में उसके कार्बन से नंबरिंग हमेशा करोगे, ज़रूरत पड़े तो IPAC नाम के लिए, और कॉमन नेम में तो नंबरिंग का ज़रूरत ही नहीं है। CN को साइनाइड लिखो और बाकी अल्काइल को पहचानो। अभी कई बार आ चुके हैं आइसोनियो वगैरह, तो आई थिंक यदि प्रैक्टिस करते चल रहे होगे आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन, तो अब तो बिल्कुल भी क्लियर हो चुका होगा ये आइसोनियो का कंसेप्ट सेकेंडरी टर्सरी कहाँ क्या लगेगा। लेकिन यदि देख रहे होगे तो फिर कन्फ्यूजन हमेशा रह जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। एरोमेटिक रिंग के लिए अब देखें, बेंजीन में लगा हुआ हो CN, फिर बेंजीन में CH2CN, साइक्लिक कंपाउंड में हो CN, इस तरह का कुछ इसमें कोई कोई ग्रुप्स लगे हुए हो सकते हैं, जैसे यहाँ एक BR हो, यहाँ एक BR हो, मेन तो CN होना है, फिर CH2CN, CHCN, CH2CN, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं। क्या नाम लिखा जाए इन सबका? कॉमन नेम लिखें यदि इसके लिए तो बेंजीन का फिनाइल और CN का साइनाइड। इसका लिखोगे तो बेंजीन में CH2 है ना, कहलाता है बेंजाइल, और CN का लिखोगे साइनाइड। बाकी सबका कॉमन नेम नहीं। अब IPAC नाम की बारी है, तो एक तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजो क्यों? क्योंकि बेंजीन में कार्बन है, बता चुके हैं कि बेंजीन में कार्बन, और यदि उस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो उसके लिए बेंजो लिखा जाता है, और N से नाइट्राइल। या इसी का एक नाम ऐसे भी हो सकता है, बेंजीन और CN के लिए यहाँ हम लोग लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखते हैं? कार्बोनाइट्राइल। जैसे CHO के लिए था कार्बलडिहाइड, COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl के लिए कार्बोनिल क्लोराइड, CONH2 के लिए कार्बोक्जामाइड, उसी प्रकार से CN के लिए हम लोग लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, जब ये पूरे का नाम लिखना हो तब। साइनाइड लिखते हैं, लेकिन साइनाइड तो फिर कॉमन में हो गया ना। IPAC के लिए CN को क्या लिखा जाता है? कार्बोनाइट्राइल। जैसे इसका नाम लिखोगे तो एक तो इसका नाम आप ऐसे लिख सकते हो, बेंजाइल कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हो, ये बेंजाइल कार्बोनाइट्राइल, या फिर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में है, बेंजीन में नहीं है, तो इसको ब्रांच मानते हुए फिनाइल
और ये दो कार्बन के लिए इथेन और एन फॉर नाइट्राइल। तो सी एन के लिए कार्बो नाइट्राइल वाला बात को याद रखोगे। वैसे इसमें तीन कार्बन का रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन, और सी एन का पूरा लिखोगे कार्बोनाइट्राइल। लास्ट में बताया जाएगा ये कि किसके लिए क्या लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में बताएंगे, अभी तो पढ़ते ही चल रहे हैं हम लोग। तो सी एन के लिए कार्बोनाइट्राइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। कई बार बता चुके हैं कि जब हम लोग रिंग वाले कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, तो इसमें रिंग के कार्बन को अलग कंसिडर किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अलग, और जब इस कार्बन को अलग कंसिडर करोगे तो सी एन का पूरा नाम लिखना होगा कार्बोनाइट्राइल। वैसे इसमें अब इसमें तो ब्रांच है तो नंबरिंग होगा, नंबरिंग इस कार्बन से नहीं बल्कि जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ से 2-3, तो नाम हो जाएगा इसका 2-3 डाइक्लोरो। 5 कार्बन का रिंग दिख रहा है तो साइक्लोपेंट। 2-3 के बीच डबल बॉन्ड है मतलब कि 2-N, और सी एन का पूरा नाम लिखोगे क्या, कार्बो नाइट्राइल। तो 2-3 डाइक्लोरो साइक्लोपेंट 2-N कार्बो नाइट्राइल। अब इसके लिए देखो दो दो सी एन है, कहीं से भी नंबरिंग करो, यहाँ से जाए यहाँ से की बात होगा, यहाँ तो 2Br की तरफ 3-4-5, तो 2-5 डाइब्रोमो, 2-5 डाइब्रोमो। 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, 1-4 पे है तो 1-4 डाई कार्बो नाइट्राइल। तो इसका नाम हो गया 2-5 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1-4 डाई कार्बो नाइट्राइल। अब बच गया एक लास्ट कंपाउंड नीचे वाला, इसका कॉमन नेम नहीं आईपीएसी। पीछे जो बताए हैं यदि ध्यान में होगा वह बात, इसके लिए एक पॉइंट हम बोले थे कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बन कंटेनिंग मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दो से ज़्यादा प्रेजेंट हो रिंग में तो उसमें से किसी कार्बन में नंबरिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड है तो रूल तो बताया किसी का कार्बन से बन, तो यहाँ से बन करोगे तो 1-2-3-4-5 ये कार्बन छूट जाएगा, या 1-2-3-4 ये छूट जाएगा, तो एक ना एक फंक्शनल ग्रुप छूट ही जाएगा, सब में नंबरिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए सबको छोड़ना है और यहाँ से डायरेक्ट होगा 1-2-3। अब यहाँ से डायरेक्ट होगा तो 3 कार्बन के लिए आप लिखोगे प्रोपेन, तीनों पे है तो 1-2-3 और 3 है तो ट्राई, और इसके लिए नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। समझ रहे हो, तो नाम इसके लिए क्या हो गया 1-2-3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, और 3 कार्बन था तो प्रोपेन हो जाएगा। अब एक इसका ऐसे भी नाम कोई कोई बुक में दे देता है, कैसे देखो, जो कि है सही नहीं, गलत तरीका है वो, तो हम बता देते हैं क्योंकि इस आधार पर लिखता है सो। देखो ऐसे इसका नाम लिखता है ये 1-2-3-4-5, और इसको केवल ब्रांच मानेगा, और सी एन का लिख देगा साइनो, 3 साइनो, और उसके बाद लिखता है पेंटेन डाइनाइट्राइड, ऐसा लिखता है, जो गलत तरीका है। अब तीनों सी एन ही है तो फिर आप एक सी एन को सब्स्टिट्यूएंट मानोगे बाकी दो को मेन मानोगे, तो ये तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे आप काय कर रहे हो, इसलिए तीनों को आप जो है छोड़ दो और तीनों के लिए आप कार्बोनाइट्राइल लिखो, तब इसका बेहतर नाम हो जाएगा प्रोपेन 1-2-3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो यह था साइनाइड या फिर नाइट्राइल का नॉमिनक्लेचर। इसी के जैसा है आइसोसाइनाइड,
ऑक्सो साइनाइड आइसो नाइट्राइल, ये ऐसे ही कहते हैं कार्बाइलेमिन। फंक्शनल ग्रुप है NC। बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे तो कार्बन यहाँ नाइट्रोजन के द्वारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, या इसी को हम लोग नॉर्मली दिखाएंगे तो कार्बन माइनस प्लस ऐसे भी दिखा सकते हैं। वहाँ CN था, यहाँ NC है। जनरल रिप्रेजेंटेशन RNC। कॉमन नेम लिखा जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड के रूप में, और IPAC नेम लिखा जाता है अल्काइल कार्बाइलेमिन के रूप में। इसमें नंबरिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे CH3NC, CH3CH2NC, बेंजीन रिंग में हो NC। बहुत कॉमन कंपाउंड नहीं है यार, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल भी नहीं होगा इसमें। NC CH3CH2 CH3NC ऐसे कॉमन नेम सबके लिए लिखोगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो CH3 का मिथाइल और NC का आइसोसाइनाइड। वैसे इसमें इथाइल और NC का आइसोसाइनाइड। वैसे नीचे में बेंजीन के लिए क्या लिखोगे, फिनाइल, और NC का आइसोसाइनाइड। ये कौन सा ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। वैसे इसके लिए ये पूरा है टर्शियरी पेंटाइल आइसोसाइनाइड। 1, 2, 3, 4, 5 पेंटाइल, 3 degree है, तो टर्शियरी पेंटाइल आइसोसाइनाइड। IUPAC नाम है अल्काइल कार्बाइलेमिन। तो CH3 का मिथाइल और इसके लिए कार्बाइलेमिन। वैसे इसमें इथाइल और NC के लिए कार्बाइलेमिन। वैसे यहाँ फिनाइल कार्बाइलेमिन। देखो इसमें या तो नाम डायरेक्ट इसका ऐसे ही लिख सकते हो आइसोब्यूटाइल कार्बाइलेमिन, या फिर नंबरिंग करते हुए 1, 2, 3 तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपाइल 1 कार्बाइलेमिन। ऐसे ही इसका डायरेक्ट लिख सकते हो टर्शियरी पेंटाइल कार्बाइलेमिन, या फिर ऐसे 2 मिथाइल ब्यूटाइल 2 कार्बाइलेमिन। इसमें अल्केन माने ब्यूटेन वगैरह सब नहीं लगता है, और बहुत कॉमन कंपाउंड नहीं है, रेयर कंपाउंड है। स्मेल काफ़ी ख़राब होता है इसका आइसोसाइनाइड का, और इतना ख़राब स्मेल है कि इसके स्मेल के आधार पर पहचान लिया जाता है कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। जब पढ़ोगे आप क्लास 12 में चैप्टर ऑर्गेनिक का, तो वहाँ एक रिएक्शन है जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलेमिन रिएक्शन कहते हैं। तो साइनाइड वाले कंपाउंड काफ़ी जहरीला होते हैं, तो साइनाइड में इनऑर्गेनिक जो पोटासियम साइनाइड वगैरह होता है वो सब, ऑर्गेनिक वाले साइनाइड में ऐसा नहीं है। और ये आइसोसाइनाइड का स्मेल बड़ा ख़राब होता है, तो ये स्मेल के चलते विख्यात है, और वो अपने टेस्ट अपने जहरीले नेचर के चलते विख्यात होता है।
तो इस तरह से साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों का नॉमिनक्लेचर हमने करा। अब इसके बाद जो थोड़े से और बचे हुए हैं आगे का लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।